खबर है मिर्जापुर से। कोलकाता में महिला चिकित्सक के साथ हुई बर्बरतापूर्ण घटना के खिलाफ विन क्षेत्र की मातृशक्तियों का दिखा आक्रोश। कोलकाता में महिला चिकित्सक के साथ हुई बर्बरतापूर्ण घटना के खिलाफ विन्ध क्षेत्र की मातृशक्तियों का आक्रोश। मिर्जापुर आज दिनांक 17 अगस्त 2024 को शहीद उद्यान नार घाट में समाज सेविका नंदनी मिश्रा के नेतृत्व में नगर की विभिन्न महिला संगठनों की मातृशक्तियों काले वस्त्रों में एकत्रित होकर कोलकाता के महिला चिकित्सक के साथ हुए बर्बरतापूर्ण घटना के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया तथा शहीदों की प्रतिमाओं के नीचे मोमबत्ती जलाकर पीड़ित मृत महिला चिकित्सक की आत्मा को शांति हेतु मौन प्रार्थना की। इस अवसर पर आक्रोशित मातृशक्तियों ने देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम लिखित ज्ञापन पर हस्ताक्षर करते हुए कोलकाता में महिला चिकित्सक के साथ की गई बर्बरतापूर्ण घटना के दोषी को मृत्यु दंड की सजा देने हेतु तथा देश में आए दिन घट रही इस तरह की घटनाओं को रोकथाम करने हेतु कठोर कानून लागू करने की मांग की। नंदनी मिश्रा ने आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि आखिर इस देश की महिलाएं और लड़कियां कब तक सुरक्षित होंगी। वर्तमान कानून इस तरह की घटनाओं को रोकने में कारगर नहीं है, अतएव हम विंध्य क्षेत्र की मातृशक्तियों भारत सरकार से अनुरोध करते हैं कि कोलकाता कांड के दोषी को 3 महीने के अंदर त्वरित कानूनी कार्रवाई कर मृत्यु दंड दे दिया जाए। साथ ही इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए वर्तमान कानून की समीक्षा करते हुए कठोर से कठोर कानून बनाने की मांग करती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड्डू खान। मैं विभा वैद्य, और आज जो कलकत्ता में जो कांड हुआ है डॉक्टर लेडी डॉक्टर के साथ, उसके लिए हम बहुत दुख व्यक्त करने के लिए यहाँ पे और एक शोक सभा रखे हैं हम लोग यहाँ। मैं यही कहना चाहूँगी कि आज जो भी घटनाएं जो घट रही है, जो उस व्यक्ति के बारे में बताया जा रहा है, तो सरकार से भी हमारी ये अनुरोध है कि परिवर्तन लाने के लिए, जैसे ऐसे साइट्स की जो बात चल रही है पॉर्न साइट्स की, मैं चाहूँगी कि वो बंद हो। सरकार इस पे ध्यान नहीं देती है, शराब की बिक्री नहीं बंद करती है, और वो चाहते हैं कि समाज में लोग अच्छे हों। तो समाज में परिवर्तन लाने के लिए एक कड़े कानून का होना बहुत आवश्यक है। सजा तो उसे मिलनी चाहिए जिसने जो भी किया है, वो तो कानून से बचेगा नहीं। लेकिन सरकार और कुछ भी एक्शन ले, वो ये चीज़ नहीं करती है, वो साइट को बंद नहीं करती है, उससे हमारे बच्चे भी बर्बाद हो रहे हैं। तो ये मैं डिमांड करूँगी कि सरकार इस ओर ध्यान, अटेंशन सभी को देना है। बच्चों को कहा जा रहा है कि बेटों को शिक्षित करना है, वो भी सही, मैं मानती हूँ। नंदिनी भाभी ने भी कहा कि बेटों को भी शिक्षित करना, ये बहुत सही है, क्योंकि बेटे सोचते हैं कि हमें ज़रूरत नहीं है। वो बाहर वो जाते हैं, वो सोचते हैं हमें कोई सुरक्षा की ज़रूरत नहीं है, और बेटियों पे हम नज़र रखे रहते हैं कि तुम कहाँ गई कहाँ गई। लेकिन बेटों से भी सवाल करना है, हमें ये चीज़ उन्हें छूट नहीं देनी है, ये बात भी सही है। लेकिन सभी को मिल करके समाज में परिवर्तन लाना है। अगर एक अंग हमारा खराब होता है तो हम कहते हैं अस्वस्थ है। तो अगर कुछ क्रिमिनल एलिमेंट है हमारे समाज में, तो हम समाज को स्वस्थ नहीं कह सकते। आप उसी समाज में जी रहे हो तो आप स्वस्थ समाज में नहीं हो, अगर ऐसे एलिमेंट है। ऐसे एलिमेंट को हटाना है तो मैं एक चीज़ में पहल कहना चाहूँगी, हर स्कूल कॉलेज में स्पिरिचुअलिटी की पढ़ाई आवश्यक है, ये बहुत ज़रूरी है। वो हम एक अच्छा ह्यूमन बींग बनाएगा हर व्यक्ति को, वो एक रूट कॉज है, वहाँ से सीधे चेंज आ जाएगा। ऐसे हम एक एक छोटी छोटी चीज़ों पर हम चेंज करने के लिए अपनी आवाज़ें बुलंद करते रहेंगे, हम थक जाएंगे। लेकिन अगर हमें पूरी तरह से बदलाव चाहिए तो वो एक कड़ी चोट है। स्पिरिचुअलिटी की पढ़ाई भी आवश्यक है, और सरकार को कड़े कानून लेने चाहिए। पॉर्न साइट तो बिल्कुल बंद कर देने चाहिए, ये मेरी डिमांड है। बिल्कुल, थैंक यू। हम लोग यहाँ सब एकत्रित हुए हैं, जो डॉक्टर मर्डर केस हुआ है कलकत्ते में, उसके खिलाफ जो भी रोष है, जो भी संवेदना है, हम सारी महिलाएं अलग अलग क्लबों से, अलग अलग अपने अपने फील्ड से खड़े हुए हैं यहाँ पे। हमने सबसे पहली बात तो यहाँ कोई पोस्टर और बैनर नहीं लगाया है कि हम इस क्लब के हैं, चाहे मैं इस प्रोफेशन की हूँ। हम सब महिलाएं हैं और महिलाओं के लिए दर्द रखते हैं। तो जितनी महिलाएं हैं उनको बहुत दर्द है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार नहीं, पांच बार, हर बार हम प्रदर्शित करते हैं और कुछ होता नहीं है। ना कानून हमारा इतना स्ट्रांग है, ना हम इतने स्ट्रांग हैं। मैं शेयर करूंगी एक वीडियो भी आप लोगों को, जिस वीडियो पे ये दिखाया जा रहा है कि जब अगर आज एक महिला के साथ गलत हो रहा है तो जितनी भी देश भर की महिलाएं हैं, हम क्यों नहीं एकजुट होकर उनके खिलाफ कुछ कर रहे हैं। कुछ महिलाएं चुप हो जाती हैं, कुछ महिलाएं रैली करती हैं, कुछ महिलाएं कैंडल लिट करती हैं दिखाने के लिए कि हमको दर्द है, हमको अंदर से चोट है इस चीज़ के लिए। लेकिन इसका अंत क्या होता है? मैं खुद नंदिनी मिश्रा 5 बार रैली कर चुकी हूँ इसी शहीद उद्यान में, इसी मुद्दे को लेकर 20 साल के भीतर। ये 5वां मेरा रैली है और मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ। मैं यहाँ पे पौश की मंडल अध्यक्ष हूँ, जो ये कानून होता है कि आपके खिलाफ अगर कोई कुछ करे तो आपको कुछ करिए, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाती हूँ। मैं डॉक्टर कृष्णा सिंह, मैं फैमिली कोर्ट सिविल लाइन में भी, सिविल कोर्ट में भी बैठती हूँ और पुलिस लाइन में भी फैमिली केंद्र में बैठती हूँ। मैंने देखा कि वहाँ जो महिलाएँ आती हैं वो
हमेशा इतनी सताई होती, वो पुलिस हमारे एसपी साहब के यहाँ एक एप्लीकेशन देती हैं, लेकिन हम लोग का ये कहना है कि एप्लीकेशन तो जो बहुत सताई हुई औरतें जाती हैं, पर हमारे पड़ोस में क्या हो रहा है, कुछ भी हो रहा है जो, उसके लिए हमारे पास कई सारे नंबर्स होने चाहिए। हम सामने आकर के किसी का बात नहीं कर सकते, क्योंकि हमें डर है वो इंसान हमसे बदला लेगा। ये महिलाओं की एक कॉमन, या किसी के भी, हमारे घर के आदमी भी कहेंगे तुम क्यों बीच में पड़ रही हो, लेकिन ये हम सब के साथ कभी भी कुछ हो सकता है, इसके लिए हमारे पास कुछ नंबर होने चाहिए। हम गुप्त रूप से अपना नाम न बताएं और उनको इस नंबर पर फ़ोन करें और पुलिस आए और उनके लिए, उस महिला की सुरक्षा के लिए, चाहे वो दाई हो नौकरानी हो, हमने देखा है एक दाइयों नौकरानियों के बच्चियों के साथ बहुत ज़्यादा गलत होता है और हम कुछ नहीं कर पाते, तो हमें कुछ ऐसे नंबर्स चाहिए। हम सरकार से अनुरोध करेंगे, अपने CM से कहेंगे कि भाई कुछ नंबर्स ऐसे दीजिए जो महिलाएं चुपचाप वो फ़ोन करें, उनका नाम ना आए उनका, और उन महिलाओं के लिए हमेशा कुछ किया जाए।